सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड नेक्स्ट चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। मेरे लिए बहुत ही एक नया जर्नी है ये। मैं खुद एक कंटेस्टेंट रह चुका हूँ एक रियलिटी शो पे, और ये पहली बार है जो मैं एक कोच और जज के रूप में आ रहा हूँ। एंड मेरे फैमिली के लिए मेरे लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है, एक बड़ा मोमेंट है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि कनिका, अदनान सर, हर्षदीप एंड रहमान सर, हम लोग सब एक एक स्टेज पे जुड़े हैं एक साथ, और म्यूज़िक की बात हो रही है। सबसे जो मतलब मेरे दिल के जो करीब है म्यूज़िक, उसके बारे में बात हो रही है। कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड है हमारी कंट्री से। एंड ये पूरा जो शो है इसका फॉर्मेट बहुत ही अलग है, अलग दूसरे रियलिटी शो से। तो ये मुझे लगता है कि इंडियन टेलीविजन पे लोगों को डेफिनेटली एक्साइट करेगा। कनिका, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि अरमान ने कहा, हमारे लिए भी एक नई जर्नी है, एक नई शुरुआत है। एक बड़ी बात है कि आज हम जब पहले स्टेज पे होते थे, आज कंटेस्टेंट्स को जज कर रहे हैं। एंड काफ़ी सालों की ये जर्नी रही है, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ कि इतना इतने बढ़िया कोचेज एंड जजेस के साथ हम आज एक मंच पे आ रहे हैं और साथ में मिलकर एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। एंड बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी आप सबका कि हम सबको आपने इतना सपोर्ट किया, एंड स्टार प्लस का कि उन्होंने इतने अच्छे से ये एक नया मंच सब कंटेस्टेंट्स के लिए शुरू किया है। अदनान सर, आप सबसे सीनियर हैं इसमें, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपके लिए कितना स्पेशल है ये शो? ये मेरे लिए बहुत ख़ास शो है, क्योंकि इस शो के ज़रिए हमको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है आवाज़ पे। और अक्सर मैं देखता हूँ कि कभी कभी कुछ फॉर्मेट्स में, कुछ शोज़ में लोग जो हैं वो एक पैकेज को ढूंढ रहे होते हैं कि दिखने में भी बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए और आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए, मगर साथ में दूसरा पैकेज परफॉर्मेंस ये वो, और कभी कभी कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है कि आवाज़ बेशक 19-20 हो लेकिन बाकी पैकेज बहुत अच्छा है। लेकिन इस प्रोग्राम में जो सबसे ज़्यादा तवज्जो है वो आवाज़ की क्वालिटी पे है, और उससे यहाँ से पता लग जाता है इस बात की अहमियत के हम पहले जब कंटेस्टेंट हमारे सामने आएंगे, हम उसको देखेंगे नहीं, हम सिर्फ उसकी आवाज़ को सुनेंगे। अगर उसकी आवाज़ ने हमारे दिल के अंदर एक असर किया, फिर हम बजर दबाएंगे और फिर हम मुड़ेंगे और फिर हमको देखने को मिलेगा कि ये कंटेस्टेंट किस तरह का है। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सिखाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो एक कुदरत की तरफ से जो एक ऊपर वाले की दी हुई आवाज़ है वो कोई भी नहीं निकाल सकता। तो जब वो आवाज़ हम सुनेंगे, फिर हम पलटेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ तकदीर भी पलटेगी एग्जैक्टली, और फिर ये सफ़र जो है फिर आगे रवाना होगा। सो अदनान सर, काफ़ी बार आपको अप्रोच भी किया गया जज के तौर पर, एक मेंटोर के तौर, आप कभी आपने एग्री नहीं किया, इस बार क्या कुछ खास था, क्या कुछ स्पेशल था आपके? मेरे ख्याल में यही फॉर्मेट जो मैंने अभी अर्ज़ किया था, इसी के तहत मैंने ये फैसला किया, क्योंकि मुझे हमेशा थोड़ा सा इस बात पे थोड़ी सी मायूसी भी होती थी, क्योंकि मैंने कभी कभी देखा है प्रोग्राम्स में अक्सर के कोई ऐसा कंटेस्टेंट था जो बहुत ही ज़बरदस्त गायक था, लेकिन शायद उसकी प्रेजेंस या उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो थोड़ी सी इतनी ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं थी, तो लिहाजा वो पीछे रह गया और किसी और को मिल गया, क्योंकि वो बंदा जो था वो बहुत ही चिकना था। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिर्फ जो सबसे ज़रूरी चीज़ आवाज़ के ऊपर तवज्जो है, तो मैंने कहा यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक के ऊपर मैं तवज्जो दूंगा।